हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी अपनी किचन में, जहां आज हम समर स्पेशल आम पन्ना बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। एकदम फ्रेश और क्विक तरीके से मैं आपको आम पन्ना बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है गर्मियों के सीज़न में। आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पर हमने कच्चे आम लिए हैं, ये आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ मैंने 4 आम लिए हैं, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। बहुत आसानी से ये छिलका उतर जाता है और हम अपने आम के छिलके उतार लेंगे। आम के छिलके उतर गए हैं, अब हम इसको एक कुकर में डाल लेते हैं और इसमें हम 1 गिलास पानी डालकर इसको 3 से 4 विसल आने तक कुक करते हैं। हमारे कुकर में 4 से 5 सीटी आ गई है और सीटी भी निकल गई है। देखिए, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब हम हाथ की हेल्प से इसको मैश करते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। सारा गुद्दा हम पानी के अंदर निकाल लेंगे। आम का पल्प अच्छे से निकल गया है, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ 1/2 किलो आम के अंदर मैं 250 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। यह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर ऐड करने से इसका खटासपन जो होगा वो आपको नहीं आएगा और आम रस का मज़ा नहीं ले पाएंगे आप। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने तक चलाते रहते हैं। अब हम अपना ग्लास सर्व करने के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश भुना जीरा, इसमें ऐड करेंगे हम 1 से 2 आइस क्यूब्स। और अब हम अपने ग्लास के अंदर आम पन्ना ऐड करेंगे। इसको हम थोड़े से सूखे पुदीने की पत्तियों से डेकोरेट करेंगे। हमारा फ्रेश आम पन्ना बनकर तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और अपने समर्स को कूल बनाइए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।